वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका एक बार फिर न्यू ब्लॉग में। तो ब्लॉग नहीं स्टार्ट करने से पहले अपने भाई का नाम भी जान लीजिए। तो मेरा नाम है ऋतिक गॉर्डन और आप देख रहे हो मेरा इंटरेस्टिंग चैनल मनाली वाला। चलिए फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन कीजिए ऑन। तो चलिए आज की इस ब्लॉगिंग को करते स्टार्ट। गाइस अभी हम साइकिल रेंट पे ले रहे हैं। तो ये रहे तुषार भाई, ये उदय भाई और एक ही आर्टिस्ट संजय, देख सकते हो आप। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो चुकी है सिलेक्ट और मेरे लिए ये वाली साइकिल है। तो अभी चलते हैं गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। आज की इस ब्लॉगिंग में हम जा रहे हैं साइकिल राइड पे। आप देख सकते हो संजय भाई रुके हुए हैं और बाकी दो बंदे निकल चुके आगे और मुझे भी जाना पड़ेगा अभी। तो मुख्यमंत्री साहब अभी दौरे पे आए हुए हैं। तो संजय भाई तो भाई उनकी गाड़ियाँ देख कर रुकी गए और अभी आ रहे हैं। देख सकते हो आप संजय भाई और बाकी दो बंदे निकल चुके हैं मेरे से आगे और संजय भी जा रहा है। तो गाइस अभी मैं फर्स्ट टाइम साइकिल राइड कर रहा हूँ ऐसे ब्लॉग बनाते बनाते। तो अभी हमें शायद शीश चौक से आगे तक जाना है, तो देखते हैं, चलिए चलते। उदय भैया तो भाई पूरी पूरी फीलिंग ले रहे हैं, देख सकते हो। तो भाई साहब अल्टीमेट मज़ा आ रहा है, क्या ही बताऊँ, सांस भी बहुत ज़्यादा फूल रही है यार। डाल दिया, चल तो गाइस यार उदय भाई बोल रहे कि सेकंड गियर डाल, तो आप आज जाम भी बहुत ही ज्यादा है यार। अब लगाना गियर गाइस, कसम से मजा आ गया। उदय भाई से आगे निकलना गाइस मुझे तो। ये उदय भाई स्किट खा गई, उन्होंने यार गियर चेंज कर दिया। ए संजय, बूम, तो गाइज अभी प्लान बदल चुका है। तो अभी हम यहाँ से नेहरूकुंड तक जाएंगे और शनाग होकर वापस साइकिल छोड़ने जाएंगे। तो अभी बांग में रुकने का प्लान था तो रुके नहीं, बाकी निकल गया, अब मुझे भी निकलना पड़ेगा, तो चलिए। तो हमारी साइकिल में तो हवा सही है बट उनकी साइकिल में प्रॉब्लम आ रही है, तो अभी वो हवा बनने गए हैं तुषार भाई और उदय भाई। और संजय भाई तो आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, हवा बनाने से इन लोगों ने मना कर दिया है, तो चलिए चलते हैं। तो उदय भाई अभी पीछे रह चुके हैं, लगता है रील वगैरह बनाने की कोशिश कर रहे होंगे और वो लोग पहुंच गए वो दूर और मुझे भी जाना पड़ेगा। तो गाइस उदय भाई भी निकल चुके हैं मुझसे आगे, तो मुझे अब कुछ करना पड़ेगा। ओ शिट, ग्रिप छूट गई यार। और अभी मुझे इनसे आगे निकलना है, तो देखते हैं कैसे करके निकलूंगा मैं इनसे आगे। अरे भाई इस तरफ मत आना, हो व्यू तो आज का गाइस ऑसम हो रखा है, क्या ही बताऊं। ये लोग अपनी मस्ती से चले हुए हैं और मैं अभी ब्लॉग शूट कर रहा हूं। तो गाइस अभी मेरी साइकिल जो मिसिंग मारी थी उसके गियर, तो अभी मैंने उदय भाई की साइकिल ले ली है और चार भाई निकल गए आगे और चलते हैं फिर से कम 10-15 मिनट का टाइम है हम लोगों को, तो चलिए चलते हैं। फाइनली गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं भांग और उदय भाई कुछ ड्रिंक वगैरह लेने गए हैं और यहां पर बैठे हुए हैं संजय भाई। इसके बाद निकलना है हमको घोषाल और फिर वापस मार्केट की तरफ। होप गाइस कि आप लोग इस ब्लॉग को इंजॉय कर रहे होंगे, तो करिए इंजॉय। तो चलिए उदय भैया, तो कोल्ड ड्रिंक पीने का तो मज़ा ही आ जाएगा यार, चलो वो आ जाएंगे ना।
उदय भैया आगे आना, ठीक है ठीक है यार। इनको कोल्ड ड्रिंक पकड़ने वाले भी चाहिए गाइस। तो गाइस अभी फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं नेहरुकुंड, तो यहाँ पर पानी वगैरह पियेंगे और उसी नेहरुकुंड पुल से शनाग होकर सीधा मार्केट। ई संजय भाई अभी पानी पीने जा रहे हैं, तुषार भाई पानी पीकर आ चुके हैं और उदय भाई भी वहाँ पर पानी पी रहे हैं, तो मैं भी जाता हूँ यार। तो गाइस यहाँ पर उदय भाई कर रहे हैं मेरा फोटोशूट और अभी मुझे पानी पीना है, प्यास लगी यार। संजय पी लिया पानी? हो चुके हैं हम पानी पीकर फ्री। गाइस अभी हमें 6-7 किलोमीटर और चलानी है अपनी साइकिल। दो राइडर लोग हो चुके हैं तैयार साइकिल के साथ और दूसरे राइडर भी, और मेरी साइकिल की हालत देख सकते हो आप और इनकी साइकिल देखिए भाई। यहाँ पर सिंगल वे है ना, इसलिए हमारी साइकिलें फंस चुकी है, साइकिल जाने के लिए भी जगह नहीं है इस पुल में। हम सभी वेट कर रहे हैं कितनी देर से, यहाँ पर इनका भी शायद शूट चला हुआ है। गाइस मज़ा बहुत आ गया इस पुल से साइकिल चलाने का, कसम से यार बहुत ज़्यादा हिल रहा था ये पुल। तो अभी चलते हैं साइकिल लेकर। रोड पे ना गाइस हल्का हल्का ऑफ रोड भी है, मतलब अभी तो ठीक है यहाँ से शनाग तक, आगे देखते कैसा रोड है देखते। चलो गाइस मिलते हैं, बाय बाय। तो गाइज अभी ऑफ रोड आ रहा है, तो अभी ऑफ रोड और ऊपरली तरफ देख सकते हो आप मजाच गांव और उस तरफ है शनाग गांव, तो अभी हम शनाग गांव की तरफ जा रहे हैं। तो अभी हल्का सा रेस्ट लिया था मैंने, तो अभी साइकिल रख दिया यहां पर, तो चलिए अभी चलते हैं। रुक जाओ यार फोटो भी ले लूंगा। गाइस ऑसम ही ऑफ रोड है यार, यार थार ने बहुत गंद मचाई हुई है कसम से, हमारे को आगे निकलने नहीं दे रही है। उदय भैया तो भाई पूरे पूरे मजे ले रहे हैं इस व्यू के, देख सकते हो आप उस तरफ है सोलांग वैली। एक दिन सोलांग वैली प्लान भी बनाते हैं, क्यों भाई देखते हैं। बाकी दोस्त आगे पहुंच चुके हैं, पर तुम्हारा भाई तो रहा यार राइडर। अबे यार हो, और तुषार भाई कर रहे हो एंजॉय? बढ़िया। और संजय भाई? बस गाइस अब ऑफ रोडिंग खत्म है, इसके बाद हल्का सा ऑफ रोड उस गोशाल के साइड मिलेगा बस, बाकी तो चल सकते हैं। मेरे फोन से लो यार फोटो, थंबनेल बनाने काम भी आएगा। तो वहां देख सकते हो सोलांग वैली साइड हो रही है पैराग्लाइडिंग। साइकिल छोड़ गई बात, इसको गाइस अभी प्लान रोड आ चुका है फिर से और साइकिल दौड़ाने की बारी आ चुकी है। यार मुझे अपने से ज़्यादा अपने फ़ोन की डर हो रही है, कहीं फ़ोन गिरा तो यार मैं तो लॉस पे जाऊंगा आज। तो ये रहा प्यारा सा शनाग गांव और अभी हम इसको क्रॉस करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए किस तरह चले हुए यार ये खुद को राइडर समझ के। इसके बाद तो गाइस साइकिल दौड़ाने का जो मज़ा आता है ना अल्टीमेट ही होता है कसम से। यहाँ देखो किस तरह चले हुए हैं, बस यही मौका होता है लाइफ में एंजॉय का यार, कर लेना चाहिए एक बार एंजॉय। ओहो तुषार भाई, तुषार भाई का ना बैलेंस नहीं बन रहा है। यहाँ से मजाज गांव की तरफ जाते देख सकते हो आप, बाकी हम भी उठ के चला सकते हैं साइकिल यार, वैसी बात नहीं है। तो मेरी साइकिल को तो यार ब्रेक्स भी टाइट नहीं है। अबे यार ओ शिट,
बस सब तो 15-20 मिनट में पहुंचने वाले हम मार्केट। क्यों तुषार भाई? अबे संजय भाई तो भाई बाल बाल बचे ठुकने से। तुषार भाई आपने टाइम से ब्रेक लगा दिया, संजय तो भाई बाल बाल बचा नहीं। अबे यार ओ शिट, झटके लग रहे ब्रेक यार, इसकी लूज है ना कुछ ज्यादा ही। ओ गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो उस तरफ का व्यू, अपनी मनाली का व्यू देख सकते हो आप उस तरफ है गाइस मनाली। और अभी गोशार रोड से चले हुए हैं तो तुषार भाई आइडिया लगा दे रहे मुझे यार कि गाड़ियाँ आ चुकी आगे से। तुषार भाई कह रहे हैं कि वहां से मेरी वीडियो बनाएंगे तो देख लेते एक बार ट्राई करके, है ना, अच्छी बनाना यार। गाइस फीलिंग इज सो ऑसम, चलो चलो भाई। चलो संजय भाई, ये लोग फास्ट तो चला रहे यार, जब गाड़ी आगे मोड़ पे एकदम से आ रही है ना तो मुझे अजीब सा लग रहा है। उदय भाई तो भाई खड़े होकर फीलिंग ले लेकर चला रहे हैं। चलो संजय भाई क्या हो गया, जब मैं आगे जा रहा हूँ तो तभी आ रहे संजय भाई। ओ भाई साहब, भाई साहब ब्रेक बहुत लूज है ना। अबे यार तुषार भाई आराम से, हाँ तुषार भाई ने अपना बैलेंस संभाल लिया यार, मुझे तो लगा गिर गया। अबे यार ऑफ रोड आ गया फिर से, तो क्या हो गया ऑफ रोड आया तो चला लेंगे यार आराम से। ओ भाई हिलजुल बहुत है ना, अबे गाइस ओ बिगड़ गया था मोशन। मजा बहुत आ रहा है। तो गाइस यार अभी अभी मैं घिनने से बचा हूँ और संजय भाई अभी पीछे रहा है, तो हमने कहा है कि जो पीछे रहेगा वो पीछे ही रहेगा, उसके लिए रुकना नहीं है मतलब। तो अभी पीछे से भी गाड़ी आ रही है, आई एंजॉय दिस मोमेंट यार, जमा हुआ है ना यार रास्ता भी। ये चढ़ाई ना बहुत दिमाग खराब करने वाली है। अबे चले जाओ भाई, चलो तुषार भाई, अब तो गाइस इसमें ऑसम ही मजा आने वाला है, मैं तो पूरे पूरे एंजॉय ले रहा हूँ। वाह भाई अब तो मार्केट तक मतलब रुकने का नाम ही नहीं है, बस चलते जाओ चलते जाओ। और ये क्या संजय भाई तो भाई वो बोरी स्पीड में चले हुए हैं। ओवर कंट्रोल में चलिए इसे साइकिल भी, ब्रेक के तो यार ठीक है। उदय भाई मतलब फीलिंग ले रहे हैं जैसे तो भाई फर्स्ट टाइम ही लिया है साइकिल, अब तो लेने ही नहीं वाले रेंट पे। ये साइकिल ना गाइस रेंट पे लिए है, अपनी साइकिल नहीं है। अरे भाई क्या ड्रिफ्ट मारी है संजय भाई। ओ ओ ओ ओ ओ गाइस वीडियो चले हो तुम आराम आराम से यार, बंदे हो गया है। दे भाई अपनी स्पीड से चले तुषार भाई, देखो कैसे डर के। अरे भाई मेरी तो ब्रेक भी मेरी तो ब्रेक भी नहीं लग रही यार, मिसिंग मार रही है ब्रेके, पहले गियर मिसिंग मारे थे हल्के हल्के, अब ब्रेके मिसिंग मारे। और संजय भाई तो भाई मरने मरने से बचे है कसम से। चलो आप हमारी टेंशन मत करो यार, हम आ जाएंगे। नहीं जाएंगे, थोड़ा जल्दी से चलो यार, हाथ में भी बहुत ठंड हो गई कसम से, बट व्यू बहुत ऑसम है गाइस। देखिए साइकिल चेंज करने की बात कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि इनकी साइकिल की ब्रेके नहीं लग रही।
जुकाम भी लग गया इस ठंड की वजह से। तो तुषार भाई की जो साइकिल है ना गाइस, इसमें शायद राइट लेफ्ट का फर्क पड़ गया ब्रेकों में। करकस ये देखिए भाई लड़की की तरह कैसे छेड़ रहा है। चल चल चलो यार जल्दी आओ, पहले खुद ही जल्दी करते हो। और अब तुषार भाई एंजॉय। हाँ दिख रहा है यार तुमने साइकिल चेंज कर दी, मजा नहीं आ रहा है इसमें। नहीं मजा, बहुत बड़ी साइकिल में तो मजा आता ना यार। अरे भाई उदय भाई के पास तुषार भाई की साइकिल है ना, इसके टायर बहुत ही ज्यादा हिल रहा है। मुझे ना अपने से ज्यादा डर इनकी हो रही है, क्योंकि कुछ कुछ हमारे बीच में है जो फर्स्ट टाइम ही साइकिल चला रहे हैं। एक भी मोमेंट कभी भी और कुछ भी कर सकता है गाइस। हाँ गाइस तुम्हारा भाई बन चुका है राइडर। अब तो भाई ओल्ड मनाली वाले रोड पे पहुंच चुके हैं, ये रोड बेस्ट है कसम से। यहाँ तो भाई रेस लगी है, संजय भाई तुषार भाई ठोकना मत बस ठोकना मत भाई। संजय देखिए गाइस किस तरह से पिनिंग ले लेकर साइकिल चला रहा है। मैंने ना इस टाइम ब्रेक को एकदम कसके से पकड़ के रखा है, लग नहीं रही है आगे वाले ब्रेक के सारे पर चल रहा हूं मैं तो। उधर साइकिल चलाने में बहुत इंटरेस्ट रखता है ना, इसीलिए देखिए किस तरह से भगा रहा है। हम तो पूरा एंजॉय करके चला रहे हैं। ये मोड़ना डेंजर बहुत है यार, जितना लंबा मोड़ काटोगे। क्या हो गया तू उदय भाई? बढ़ गया था, बच गया लेकिन गिरा नहीं। दोस्तों अभी से लगभग एक डेढ़ घंटा पहले हम उस तरफ थे भांग वाली साइड, और अभी इस तरफ आ चुके हैं गोशाल वाली साइड, और अभी ओल्ड मनाली होकर सीधा ही मनाली, और इन साइकिलों को वापस देने का टाइम भी हो चुका है यार। तो गाइज मैं अभी गोशाल वाली साइड से जा रहा था, तो मैं एक चीज़ दिखाना भूल गया आपको। तो ये है गोशाल का नेचर पार्क, और यहाँ आगे से देख सकते हो आप जानवर आ रहे, तो इसीलिए मैं पहले ही पीछे ही रुक गया। थोड़ा सा इसका व्यू भी ले लेते हैं नेचर पार्क का। तो यार हल्का सा रेस्ट कर लेता हूँ, थक गया हूँ बहुत। वो लोग बहुत ही आगे निकल चुके हैं, तो अब मैं भी निकलता हूँ। हो फिर से स्वागत है गाइस। तो थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था मैंने बीच में, क्योंकि यार मैं अभी आपको लास्ट में दिखाने वाला हूँ कि स्टैंड मैंने किस तरह से रखा हुआ है। पूरा जो प्रेशर है वो मेरे गले पर पड़ रहा है, इसीलिए बोला भी ढंग से जा नहीं रहा है। ऊपर से मैंने मुंह में च्युइंगम डाली रखी है। उन लोगों का तो शायद ओल्ड मनाली क्रॉस हो गया होगा गाइस इस टाइम, वो मुझे नहीं रुकने वाले, मुझे पता उन लोगों का। मैंने पूरा कस के रखी है ब्रेक, बट ब्रेक लग नहीं रही है। मैं इस आगे वाली ब्रेक के सारे हल्का हल्का चला हुआ हूँ। यहाँ पर शायद काम चला हुआ है, तो यहाँ से वन वे है, थोड़ी देर रुक जाता हूँ यहाँ पर। उस देर रुकने के बाद अभी आगे चलना पड़ेगा। साइकिल में ना यार मोटो ब्लॉक ज़्यादा रह रहा है मेरा। ओह कीचड़ पे भी स्किड करते हैं ना टायर, एक तो साइकिल के टायर भी गंजे यार। स्नो स्कूटर भी आ रहा आगे से, स्नो स्कूटर आपको सोलांग वैली साइड देखने को मिलेंगे, बट यहाँ पर पता नहीं किस लिए आए हुए ये लोग।
ऐसा ना हो गाइस कि मुझे एक डेढ़ घंटा लग जाए क्लब हाउस क्रॉस करने में, थोड़ी स्पीड रखनी पड़ेगी। यार वो लोग सच में नहीं रुके, मुझे लगा मजाक करेंगे थोड़ी देर में मेरे लिए रुक जाएंगे, बट कहाँ यार वो लोग तो सीरियस ही हो गए। पर चलो जैसा भी हुआ ठीक हो यार। मेरी साइकिल में ना प्रॉब्लम बहुत है, इसके जो गियर हैं वो मिसिंग मार रहे हैं। जब मैं ऐसे राइड पे होता हूँ ना यार, मुझे इन कुत्तों से बहुत डर लगता है। उदय भाई का फोन आया था गाइस, कह रहे हैं कहाँ रह गया, हम तो कैंपिंग के बाद, कैंपिंग तो यहीं है, बट वो लोग पता नहीं। चलो देखते हैं, यहाँ तो कहीं भी नहीं है गाइस, कैंपिंग तो इसी साइड है ना, बट इस साइड वो लोग मुझे दिख नहीं रहे। संजय भाई तो वापस लेने आ गए, इनको लगा कि मैं गायब ही हो गया। बस यार ठोकना मत। तो क्या हो गया यार, देख लिया तो देख लिया। चलो इन लोगों को पता है गाइस कि मेरी साइकिल हल्की हल्की प्रॉब्लम दे रही है, बट नहीं इनको तो मानना ही नहीं है। ए देखिए तुषार भाई मजे ले रहे यार, तो पूरे पूरे तुषार भाई। क्या तुषार भाई झरका रहे सीधे भाई, तेरे को इंतजार कर रहा था तब से। चलो 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 अब कंटिन्यू चलो ना। तो भाई साहब इन लोगों का साइकिल चलाने का तरीका देखिए, अब मैं इनसे पीछे नहीं रहने वाला। तो मैं अक्सर ना मैं गियर चेंज नहीं कर रहा था, तो इसलिए इन लोगों को लग रहा था कि बस। चलो चलो उदय आगे होगा। तुषार भाई एक गाना लगाते लगाते चलो यहाँ से। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे उम्र भर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। बट उदय भाई ने दोस्ती तोड़ दी, वो आगे निकल गए। अबे क्या कर रहे हो पागल हो, लोग एक दूसरे को धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं। गाइस क्लब ऑफ साइड पहुंच चुके हैं हम लोग, तो भैया साइकिल वाले भैया का भी फोन आ चुका है। तो ये रहा क्लब हाउस का नजारा, ठीक है। अब ये उदय भाई मुझे तुषार भाई की साइकिल चुकाने की कोशिश कर रहे थे, दो साइकिल हमारे पास बेकार ही ला दी यार ये। थोड़ा हमको जल्दी निकलना पड़ेगा। आजकल ना एक तो रश बढ़ा हुआ है मनाली में, तो गाड़ी वाले इनको भी जल्दी लगी होती है। एक भैया का एक्सीडेंट होने से अभी अभी बचा है, एक के बाद एक गाड़िया भाई साहब। बस अब टोल्ड मनाली पहुंच गए, मार्केट पहुंचने में सिर्फ 5-10 मिनट का टाइम लगेगा यार। अब तुषार भाई और उदय भाई पिछड़ चुके हैं हमारे से। मोशन डेड हो गया गाइस, तो अभी चलकर जाना पड़ रहा है। एक बार बना हुआ मोशन जब टूट जाता ना यार, अजीब ही फीलिंग हो जाती है, साइकिल चलाने की रहती नहीं है मतलब। उदय भाई भी निकल चुके हैं, बस अब मुझे भी निकलना पड़ेगा। अभी तो मैं साइकिल हाथ में लेकर चला हुआ, साइकिल देने का टाइम हो चुका है। एक मिनट भैया, सॉरी। कोई बात नहीं भैया, यार पहले तो हटते नहीं है लोग, फिर सॉरी बोल के क्या हो जाएगा यार।
मैं आराम से ही चल रहा हूँ, जल्दी की कोई बात कर रहा नहीं हूँ मैं। बैक मिनट, एक तो हम लोगों ने डिसाइड भी गलत साइड में साइकिल ले जाने का किया ना, ओल्ड मनाली गोशाल साइड एक ऐसी जगह है ना जो टूरिस्ट प्लेस बन चुकी है अब, और इस साइड तो भाई टूरिस्ट का रश इतना होता है क्या ही बताऊँ। चलो चलो चलो, अंदर से क्या जाना रहा, बोल तो वो देखो, बोलो नहीं जाना, गालियाँ देंगे वो सच्ची वो। तो गाइस अभी ये लोग वाइल्ड लाइफ से जाने की सोच रहे हैं, कह रहे कि यहाँ रोड से ट्रैफिक होगा, उदय भाई नहीं मान रहे, तो क्या करें देख लो। फिलहाल मैं अभी उदय भाई के वहाँ जाकर आता हूँ, बैठो तुम दो यहीं पर। ऐसे ग्रुप में ना ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता है। अंदर से गालियाँ देते यारो, देख के हो यहाँ से दो तीन बार गालियाँ देते हैं। तब क्या, तो भाई साइकिल वाले भैया का भी फ़ोन आ गया, बस मैंने बोला चौक के पास है, अभी तो नानी में यार टाइम लग गया, यहाँ से चलो यार, नहीं मान रहे हम, चले चलो चलो उदय भाई, चलो चलते हैं। उदय भाई कह रहे हैं कि गालियाँ देते हैं अंदर से, सही बात है ना यार, साइकिल रोड पे चलाई जाती है, जंगल में जा रहे यार ये लोग, गालियों से तो डर नहीं लगता गाइस, बट यार इज्जत का सवाल होता है ना, एक तो ऐसे ही थक कर आए ऊपर से गालियाँ सुनेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। लोग भी आ गए, आ गया ऊँट पहाड़ के नीचे, आ गया ऊँट पहाड़ के नीचे, जिराफ आ गया पहाड़ के नीचे, एक और जिराफ आ गया गाइस पहाड़ के नीचे, देख सकते हो। तो गाइस ये लोग ऐसा कह रहे कि आगे जाम है, जाम की बातें चली हुई है, तो ऐसा ना हो कि मेरा फ़ोन कहीं गिर जाए, इसीलिए मैं अब ब्लॉगिंग हल्की सी बंद कर रहा हूँ, तो नीचे जाकर देखते हैं। लास्ट टाइम हमारे साथ यही होना था, देख सकते हो आप ट्रैफिक किस तरह से लगा हुआ है, और अभी मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ यार साइकिल हाथ में ही, मज़ा ही नहीं आ रहा है कुछ, बाकी लोग तो पीछे ही फंसे हुए हैं, अभी ट्रैफिक के ही मैं ही सबसे आगे निकल गया था, तो मैंने डिसाइड किया कि सीधे ही पकड़ कर ही ले चलूँ साइकिल यार। गाइस नीचे माल रोड से लेकर ऊपर हडिम्बा तक बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, बाय। तो आई होप गाइस आपने इस ब्लॉग को इन्जॉय किया होगा, बट ट्रैफिक बहुत था यार, मज़ा आया बट। तो मिलते हैं ऐसे न्यू ब्लॉग के साथ, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर देना, तो बाय बाय।